दोस्तों, स्वागत है आपका टेकल चंदन चैनल पे। मैं हूँ चंदन और आज मैं बात करने वाला हूँ अपने लैपटॉप को लेके। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये इसके पार्ट्स डिसमेंटल्ड हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कीबोर्ड है, ठीक है। इसका जो कीबोर्ड होता है इस तरह का होता है। तो मैंने इसे किस लिए खोला है और साथ में मैंने आपको फेसबुक पे इसके मेरे जो मतलब पेज है फेसबुक पे मैंने इसका शेयर किया था, तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा। तो साथ में मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसे क्यों खोला था। तो इसमें एक बग आ गया था, ठीक है। बग बोलो या फिर एरर बोलो, यहाँ पे ये हो गया आपका रैम का स्लॉट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा रैम है। तो मैंने दोनों स्लॉट को फिलअप करके रखा है। तो आप लोगों को बता के मुझे खुशी मिलेगी कि मेरा जो ये लैपटॉप है ये 2013 का मॉडल है और तब के टाइम पर मुझे अपग्रेडेबल मतलब लैपटॉप मिला था, जबकि रैम को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, और जिसे मैंने अभी भी रिसेंटली किया है। आप देख सकते हो ये मतलब वेंजेंस का रैम है, कोर्सियर का जो ब्रांड है वो, और वहाँ पे आप देख सकते हो एक ए डाटा का 4 GB का रैम है और ये 8 GB का, टोटल 12 GB का मेरे पास ये रैम है अभी फ़िलहाल। ये लैपटॉप i3 प्रोसेसर है जो कि 3rd जनरेशन है, और साथ में आप यहाँ पे 1.80 क्लॉक स्पीड है, गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड है इसमें। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही मैंने रैम लगाया तो ठीक ठाक ही चल रहा था, उसके बाद अचानक से काम करना बंद कर दिया था। मैं जब भी इसे पावर बटन को ऑन करता तो इसी तरह से ब्लिंक करता और साथ में एक बीप साउंड आता, तो जिसके लिए मुझे मतलब बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी थी, ऑन ही नहीं हो रहा था। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रीज़न मैंने देखा कि अगर आप डायरेक्टली अगर आप स्विच बटन को अगर प्रेस करके इसे डायरेक्टली अगर हार्ट मतलब स्विच ऑफ करते हो तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इफ़ यू जस्ट प्रेस इट एंड जस्ट शट इट डाउन फोर्सफुली, देन योर लैपटॉप में हैव फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और विल फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं या फिर किए होंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया, गूगल सर्च किया, तो उसमें मुझे पता चला कि ये अगर कोई इनर हार्डवेयर का अगर कोई मतलब एरर है तो ही ये ऐसे करता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कीबोर्ड को खोला, जो कि संभावित जो होते हैं वो कीबोर्ड जल्दी ख़राब होते हैं। तो कीबोर्ड जो मैंने खोल के इसे देखा, तो साथ में मैंने रैम को भी देखा, पर एक्चुअल जो प्रॉब्लम ये थी कि मैंने इसे जब खोल के देखा तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है मेरा कीबोर्ड ख़राब है। पर बाद में मैंने क्या किया, फिर से इसे जिस तरह हम लोग डेस्कटॉप में करते हैं, अगर हमारा बूटिंग टाइम में कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ये बूट नहीं ले रहा था, स्क्रीन ही नहीं आ रहा था इसका, तो क्या करते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप में रैम खोल के उसे साफ करके फिर से उसे रैम के स्लॉट में लगा देते हैं ना, इससे हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। ठीक इसी तरह हमारा ये भी प्रॉब्लम जो था इसमें का, ये ठीक मैंने इसको इस तरह से ठीक किया है। तो इसे खोलते वक्त मैंने कैसे खोला, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लैपटॉप है यहाँ पे एक आप मतलब देख सकते हो कीबोर्ड का एक यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, साथ में आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब उस वहाँ पे एक स्क्रू था, तो स्क्रू को हटा के मैंने सिंपली इसे प्रेस किया उसके अंदर में, और उसके बाद में आप देख सकते हो इसे प्रेस करने के बाद में वो कीबोर्ड यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद आप सिंपली इसे खोल सकते हो और यहाँ पे ये एक स्लॉट है जिसे बस खोलो और उसे लगा दो। तो ये है इस तरह से, जबकि देखो ये मेरा कंप्यूटर ऑन है और मैं इसे किस तरह से चला रहा था, तो मेरा तो कीबोर्ड यहाँ पर ऑलरेडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मैं एक्सटर्नल कीबोर्ड इसे यूज़ कर रहा था और ये मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड है और ये रहा मेरा खुला हुआ इसका ऊपर का कवर। तो इसे मैंने लगाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरा एग्जॉस्ट फैन है यहाँ पे और ये कीबोर्ड यहाँ पे लगेगा। तो मेरा कंप्यूटर बाद में मैंने जैसे रैम ऑन किया मतलब खोल के फिर से स्लॉट में बैठाया तो चलने लगा। तो ऐसा आपको भी कहीं फेस करना होगा तो आप भी देख लेना, और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों आती है, अभी अभी रिसेंटली विंडोज़ की तरफ से अपडेट आ रहा है, तो मैंने इसे अपडेट करने का मतलब इरादा मेरे पास था ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं अपडेट करता हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। रिसेंटली मुझे कंप्यूटर को रीसेट करना पड़ा था क्योंकि ये अपडेट के कारण ही ऐसे बहुत सारे बग्स चलते हैं, आते रहते हैं। जैसे स्टार्ट बटन मेरा नहीं चल रहा था, जैसे स्टार्ट की होता है विंडोज़ का कीबोर्ड का, जैसे ये वाला की जो होता है ये चल ही नहीं रहा था मेरा, वो स्टार्ट ही नहीं ले रहा था। तो उसको मैंने बहुत गूगल सर्च किया, यूट्यूब सर्च किया, पर मिल नहीं रहा था। फिर मैंने उसे अपने तरीके से उसे सॉल्व किया तो वो हो गया, जैसे कि ये वीडियो आप देख सकते हो मैंने अपने चैनल पे मतलब पोस्ट कर रखा है। और मैंने सोचा कि मैं आप सभी से ये भी शेयर करूं ताकि आपको भी ऐसे दिक्कत को फेस करना पड़ सकता है ना। तो मैं फिर से कीबोर्ड को लगा के आपको एक बार फिर से मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि मेरा लैपटॉप ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ओके,
जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने इसे अपने तरीके से लगा लिया है, ठीक है। इसे लगाते वक्त थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि आप इसे कैसे बैठाएंगे, तो मैं दिखा देता हूँ। ये रहा वो स्लॉट, यहाँ पे आपको बैठाना होता है, और साथ में यहाँ पे आपको ये रहा कनेक्शन, यहाँ से रहेगा। तो ये आपको इस तरह से आप इसे अच्छे से बैठा देना है, और बस मैंने देखा, और मैं आपको चला के भी दिखा दूंगा इसको फिर से कि कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और अगर ऐसा कोई दिक्कत होता है, अगर कुछ ऐसा होता है, तो आपको दो ही काम करने, या तो कीबोर्ड हटाना है या फिर आपका रैम खोलना है। और ऐसे और भी सारे कोई इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम आ गए तो उसे भी हटा सकते हैं आप, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका वो कीबोर्ड ख़राब हो सकता है या फिर आपका ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स अगर हमारे लैपटॉप में ख़राब होते हैं तो ऑब्वियसली वो काम करना बंद कर देते हैं। यही चीज़ मैं बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ आवाज़ सुनाई देगी, ये सब क्लिप है। आपको सीधा लेके बैठाना है और उसके साथ में आपको काम करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये लैपटॉप यहाँ पे बन जाएगा, और इसके बाद में इसे स्टार्ट करके देखेंगे। पर उसके पहले हमें ये भी सेट कर देना है। यहाँ पे आपको पीछे एक स्क्रू मिल जाएगा, जो स्क्रू को आपको टाइट करना होगा। एक्चुअली वो स्क्रू होता है ताकि आप इसे अच्छे से होल्ड करके रख सके आपके कीबोर्ड पे लेआउट को या बोर्ड को, ताकि आप अच्छे से उसे यूज़ कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया बंद। इसे बस बंद करने के बाद में हम लोग फिर इसे भी बंद कर देंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये हम बाद में बंद कर लेंगे, पर फ़िलहाल जो है मैं आपको दिखाने वाला था कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो सिंपली ये वाला जो है, ये वाले में आपको वो की मतलब घुसा देना है। साथ में यहाँ पे क्या होगा, आपका वो कीबोर्ड मजबूती से पकड़ लेगा। और साथ में इसे ऑन करके भी दिखाता हूँ, ये ऑन होने के बाद में ठीक ठाक ये ऑपरेट कर रही है कि नहीं, वही दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये देख लो आप, पहले ये स्क्रीन ही नहीं आ रहा था, और साथ में मतलब मैं कुछ अगर ऑपरेट करूँ तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्ले ही नहीं चल रहा था। तो उस टाइम मैंने इसे खोल के देखा था, बट ऑब्वियसली इट्स ओके, क्योंकि और मैंने जो सेट किया, आप देखोगे कि जो वो जो स्ट्रिप मैंने लगाया उसमें सिस्टम के साथ में, तो यहाँ पे देखो मेरा वो वाईफाई का जो मार्क है वो जल रहा है बटन, और ये मेरा लैपटॉप है और इसी में मैं काम करता हूँ, सारी एडिटिंग करता हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मेरा अगर ये लैपटॉप ख़राब हो जाए तो मैं क्या करूँगा। और रिसेंटली मैंने इसमें 8 GB रैम भी लगाया, तो टोटल अभी 12 GB का रैम है इसमें, और ऑब्वियसली इट वर्क्स वेरी स्मूथली एंड वेरी क्लियरली। सो एज यू कैन सी माई कीबोर्ड इज़ ऑल्सो वर्किंग। तो इस तरह का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, मैं विंडोज़ से लेकर सारे और भी जितने सारे टेक्नोलॉजिकल वीडियोस हैं मैं पोस्ट करता हूं, तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं उस पर भी रिसर्च करके आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और जो मैंने रैम दिखाया उस रैम के ऊपर भी मैं एक मतलब वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने इस स्लॉट को बंद नहीं किया, अभी खुला रखा है, ताकि क्योंकि वो मेरे पास ऐसे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं और भी बनाने हैं, और उसमें मैं बताऊंगा कि वो रैम को मैंने क्यों परचेज़ किया। वो बहुत ही ज़बरदस्त का रैम है जो मैंने परचेज़ किया। तो दिस इज़ ऑल टुडे। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, और मैं इस तरह की वीडियो किस तरह बनाऊँगा। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोज़ बनाए सभी यूज़फुल हैं, और आप जाके देख सकते हो, और मैं लिंक भी दे दूँगा अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में। तो ऑब्वियसली थैंक्स फॉर टुडे, एंड होपफुली इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।